हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइस। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक ले रहे हैं, स्पिन पोलराइजेशन फॉर एटम एंड ट्रांजिशन मेटल आयन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गाइस, एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कम्प्लीट करके जाना है। और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पिन पोलराइजेशन किसी पदार्थ या प्रणाली में इलेक्ट्रॉन के स्पिन के संरेखण को संदर्भित करता है, जिससे विभिन्न चुंबकीय गुण हो सकते हैं। परमाणुओं और संक्रमण धातु आयनों के संदर्भ में स्पिन पोलराइजेशन उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना और चुंबकीय व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। एटम परमाणुओं के लिए स्पिन पोलराइजेशन उनके परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण से प्रभावित होता है। एक तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाउली अपवर्जन सिद्धांत और हुंडे के नियमों के अनुसार ऑर्बिटल पर कब्जा करते हैं, मतलब ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं एटम, ठीक है, जो यह नियंत्रित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन उपलब्ध अवस्थाओं में कैसे भरते हैं। एटम का काम होता है, ठीक है, ये कि इलेक्ट्रॉन उपलब्ध अवस्थाओं में कैसे भरने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे संक्रमण धातु ट्रांजिशन मेटल शुद्ध स्पिन पोलराइजेशन प्रदर्शित करते हैं, जिससे चुंबकीय क्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन टाइपिकली हैव पार्टिकल फिलेट डी ऑर्बिटल। संक्रमण धातु आयनों में आमतौर पर आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। आगे देखते हैं, जो उनके स्पिन पोलराइजेशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संक्रमण धातुओं में स्पिन पोलराइजेशन की डिग्री उनकी ऑक्सीकरण अवस्था और आसपास की लिगेंड एरिया के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नंबर में है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति आयन में संक्रमण समग्र स्पिन में योगदान करती है, उदाहरण डी एस विन्यास। जैसे Fe2+ में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे उच्च यानी हाई स्पिन ध्रुवीकरण होता है। सेकेंड नंबर में है हाई स्पिन और VS लो स्पिन स्टेट्स। तो लिगेंड फील्ड की मजबूती या कमजोर या मजबूत लिगेंड के आधार पर संक्रमण धातु कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन या लो स्पिन विन्यास प्रदर्शित करते हैं। हाई स्पिन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन उच्च सबसे सॉरी इलेक्ट्रॉन पहले हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल पर कब्जा करते हैं, जिससे परिणाम अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनते हैं, उदाहरण Fe H2O6 2+। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे पहले अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, उसके बाद में लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। आया समझ में। लो स्पिन यानी जब लिगेंड फील्ड मजबूत होता है, तो इसे इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी लेवल में युग्मित बनाते हैं, इसे परिणाम स्वरूप कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनते हैं, उदाहरण के लिए Fe CN6 3-। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर में है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। संक्रमण धातु आयनों में स्पिन पोलराइजेशन सीधे उनके चुंबकीय गुणों से संबंधित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले आयन आमतौर पर अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित वाले आयन प्रतिचुंबकीय होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। थ्योरी के बेस में ये टॉपिक कम्प्लीट हुआ है हमारा, तो आप अच्छे से समझ के इसको कम्प्लीट कर लीजिएगा। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।